तमाशा सीजन 3 का पहला हफ्ता मुकम्मल हो चुका है और ये सीजन तमाशा सीजन 1 और तमाशा सीजन 2 से कहीं हद तक बेहतर पहले ही हफ्ते में कर चुका है। इस बार की जो कास्टिंग है वो काफी हद तक बेहतर है सीजन 1 और सीजन 2 से। अगर बात की जाए कंटेस्टेंट की तो सभी कंटेस्टेंट काफी इंटरेस्टिंग है। हर एक कंटेस्टेंट की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है और सबकी पर्सनैलिटी तकरीबन अब बाहर आ चुकी है और सारे ही कंटेस्टेंट किसी न किसी तरह से ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे हैं। तमाशा सीजन 3 बाकी दो सीजन से बहुत बड़ा है, चाहे वो सेटअप हो या फिर कंटेंट हो। इस बार भी बहुत ज़्यादा बड़े नाम तो तमाशा में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो भी नाम आए हैं, जो भी कंटेस्टेंट आए हैं, वो काफ़ी इंटरटेनिंग है। काफ़ी सारे कंटेस्टेंट जो पहले दिन से ऑडियंस के फेवरेट बन चुके थे, उनमें थे दानिया अनवर, नुमान हबीब, अयाज समू और अरसलान खान। ये वो 4-5 नाम थे जो पहले ही दिन से लोग कह रहे थे कि हम इनको सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते गए, लोगों के बीच पहले हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट पसंद आए हैं वो है मलिक अकील। उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से निकल कर आई है बाहर, वो काफ़ी दिलचस्प है। अगर एपिसोड्स की बात करें तो एपिसोड में उस तरह से उनको दिखाया नहीं गया, लेकिन अनकट में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा माही बलोच काफ़ी पसंद आ रही हैं लोगों को, क्योंकि जो उनका गेम प्ले है वो काफ़ी अच्छा है। टास्क उन्होंने काफ़ी अच्छे से किए हैं। उनके साथ साथ वजिया खान है, जिन्होंने अपना एक टास्क बहुत अच्छे तरीके से किया और उन्होंने सबको हरा दिया। हालांकि वो अकेले थी और उन्होंने अकेले वो टास्क जीता और उसके बाद ऑडियंस को वो भी काफ़ी पसंद आने लगी है। इसके साथ साथ पहले हफ्ते में वजीर बने थे नुमान हबीब और बादशाह सलामत ने काफ़ी फेंटी लगाई है उनकी और उनको कहा है कि आपकी वजारत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और जो भी गलतियाँ हुई वो उनसे उनको बताई गई। साइमा बलोच जो निकल कर आई हैं बाहर, लग रहा है कि वो बिग बॉस को रट के आई हुई हैं और सही तांडव कर रही हैं वो, उन्होंने सही शोर डाला हुआ है घर में और आई थिंक उनकी वजह से ही पहला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग भी दिखा। अगर उनकी वजह से हमें कंटेंट देखने को मिला, चाहे वो अच्छा था या बुरा। दानिया अनवर को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे पहले 2-3 दिनों में, लेकिन कुछ आखिरी दिनों में वो भी कुछ अलग ही नज़र आ रही हैं, उनकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं। आई थिंक उनकी भी गलती नहीं है, ये मेकर्स की गलती है कि वो एपिसोड को बहुत कट कर देते हैं और कुछ समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है, स्टार्टिंग पता ही नहीं होती। अयाज समूह के पास वो कब गई, उन्होंने कब उनसे कहा कि कार्ड दे दो मुझे वॉशरूम जाना है या कुछ ऐसा वैसा, और अयाज ने उन्हें मना कर दिया, ये हमें एपिसोड में दिखाया नहीं गया। जो पहले दिन जो फाइट हुई साइमा हुमना और मनोर के बीच में, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें किसी को पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो आई थिंक तमाशा को इस चीज़ पर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि जो एपिसोड है वो कम अज़ कम उसको उसमें सब कुछ पूरा दिखाएं, इतना तो दिखाएं कि बंदे को कुछ समझ आए कि क्या हो रहा है। बाकी जो टास्क हैं वो भी उनमें भी क्लियरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जैसे समझ नहीं आ रहा कि किसकी बॉल अंदर जा रही है किसकी बॉल अंदर नहीं जा रही है। जो लास्ट वजीर के लिए टास्क खेला गया उसमें अयाज समूह जीते, लेकिन ऐसा क्लियरली वो दिखा नहीं कि वो जीते हैं, क्योंकि बॉल ऊपर से जा रही थी नीचे से जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक इनको क्वालिटी भी अपनी अच्छी करनी चाहिए, ये HD क्वालिटी में डाल रहे हैं, सिर्फ इनको चाहिए कि ये 4K तक तो रेजोल्यूशन दें एटलीस्ट, कि देखने में मज़ा भी आए। जो एयरवाइज ऐप पर जो क्वालिटी है वो सिर्फ 720p है, जो कि बहुत ही थर्ड क्लास की क्वालिटी है, जिसपे देखने का मन ही नहीं करता। आई थिंक 4K नहीं भी दे रहे हो तो आप थोड़ा तो ऊपर करके ले जाओ, 2K तक तो दे दोगे ताकि देखने में मज़ा तो आए। ओवरऑल अगर बात करें तो तमाशा सीजन 3 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और सब अच्छे कंटेस्टेंट लाए हैं इस बार। पहला इविक्शन हो चुका है, अब्दुल्ला एजाज निकल चुके हैं और वैसे भी वो आई थिंक वो कंटिन्यू भी कैसे करते, बेचारे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था जिसकी वजह से इतना वो दिखे भी नहीं, वो पेन में ही दिखे बस, तो उनको इविक्ट कर दिया गया है। और इस हफ्ते में अगर मैं कहूँ कि जो मुझे 4-5 लोग जो लगे हैं कि जिन्होंने अच्छा कॉन्टेंट दिया है और वो बाकी सबसे उभर कर नजर आए हैं, तो उनमें शामिल है माही बलोच, साइमा बलोच, वजीहा खान, मलिक अकील और मानी लियाकत। ये वो 4-5 लोग हैं जिन्होंने मतलब थ्रू आउट द वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और इनको देखने में मज़ा भी आया है। बाकी लोग भी ठीक थे, लेकिन इतना ही रिव्यू है मेरा कि पहला हफ्ता तो बहुत मज़ा आया, आप देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।